थैंक यू सो मच. आई थिंक आज के बारे में बात करते हैं, उसके लिए घर पे इंटरव्यू करेंगे कभी. बट बहुत खुश हूँ आज मिड डे का ये बहुत ही बढ़िया इवेंट है और यहाँ पर आज मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लकी. सो मैं बहुत खुश हूँ. It's I think game changer Bollywood actress. So I'm very happy with that. शॉर्ट मूवी की बात कर रहे हैं. अच्छा अच्छा, आपने देखी है शॉर्ट मूवी? जी अभी रिलीज नहीं हुई है. आई थिंक बहुत ही जल्द कोई भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी वो. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बट जैसे कि मैंने कहा उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दिस इवेंट टुडे. हैप्पी दिवाली टू यू टू. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. बहुत अच्छा. बिकॉज आपको पता है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट त्यौहार है दिवाली. और दिवाली में जब ऐसा फंक्शन होता है, लोगों को मिल पाते हैं, एंड स्पेशली मुझे आज अवार्ड मिलने जा रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी. किस कैटेगरी का आपका अवार्ड है? सो ये अवार्ड है ग्लैमरस डीवा का. डीवा ऑफ द ग्लैमरस का अवार्ड. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिवाली इज अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन एंड अभी मैं सब हंसते हुए चेहरे देख रहा हूँ इधर. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ दिवाली महोत्सव बाय मिड डे. सो एक्साइटेड. सर आपका बहुत अच्छा रहा उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. आपने देखा या नहीं देखा? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं देखा तो देख लो अमेज़न पे. गुड. एंड नेक्स्ट इज विद वायोकॉम. एक हनीमून फोटोग्राफर सीरीज है. वायोकॉम प्रोड्यूस कर रहा है. December, hopefully we'll be releasing, so then I'll talk to you about that. I'm getting it for style, a style icon of the year, so I hope it's very justified. Thank you, happy Diwali. Thank you. उसी रिश्ते को निभा रहे तो दिवाली के अवसर पर आप सबको बधाइयां देने आए हैं. सर आपको से तो बहुत तारीफ आज के हो रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? जी जी, अभी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज होंगे. अभी मैंने कल ही मेरी अगली फिल्म रैप की दशमी, मेरी दूसरी फिल्में भी चल रही है. जल्दी कुछ अनाउंसमेंट्स भी आएंगे. मेरी एक जियो की फिल्म है जो अभी रिलीज होने वाली है. एंडमॉल की एक फिल्म है जो आने वाली है. नेटफ्लिक्स की एक फिल्म है. तो सारी फिल्में अभी लगातार आएंगी. आप प्लीज सारी फिल्में देखें और मुझे बताएं कैसे. वो तो अंदर जाके पता चलेगा मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है. मैंने सुना है आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर इमर्जिंग सुपरस्टार ऑफ टुमारो. सो बस उसी अवार्ड के लिए हम उत्सुक है और देखते हैं अभी क्या होता है. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. और मिड डे और मेरा तो काफी टाइम का साथ है. उनको जो मेरा एक वेब शो था तू जग में, वो भी बहुत पसंद आया था. तो इट्स ऑलवेज वेरी ऑनर कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझे अवार्ड से सराहें. और बहुत सारा प्यार मुझे फील होता है मिड डे फैमिली की तरफ से. फिटनेस. आई गॉट टू नो दैट दीज गाइज वांट्स टू गिव मी फिटनेस अवार्ड. एंड बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस को इतना इनकरेज किया जाता है. और हम जैसे जो लोग हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, वो बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सब बता दो आएगा आएगा. एक साउथ फिल्म है तो जल्दी जैसी रिलीज होगी तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. मिड डे अवार्ड ऑब्वियसली इतना बड़ा जो ये नाम है मिड डे, इतने सालों से चल रहा है मिड डे. एंड जब ये लोग सराहते हैं, आपको अवार्ड देते हैं, तो इट इज अ वेरी मीनिंगफुल अवार्ड जो ये फुल इंडस्ट्री में देख रहे हैं. सो बहुत सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम मिड डे इज ऑलवेज फॉर मी. सो फील्स वेरी वेरी ऑनर्ड कि मुझे इस काबिल मिड डे एंड प्रोडक्शन ये जो न्यूज पोर्टल्स हैं वो समझते हैं. थैंक यू.
बहुत अच्छा लग रहा है. मिडडे हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, आई यूज़ टू सॉल्व सुडोकू और जो क्रॉसवर्ड होता था उसके लिए मैं रोज मिडडे खरीदती थी और पढ़ती थी. सो आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने ये महोत्सव रखा है दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए. Health and fitness icon. So very thankful for that. Very grateful for it. So yeah. Health and fitness category. बहुत बड़ा ये honor है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिडडे तो बहुत सालों से it's an institution by itself and really grateful that I'm getting this award. बहुत अच्छा लग रहा है मैम. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. बहुत सारी रोशनी सबकी लाइफ में हो. मैम मुझे सच्ची में नहीं पता कि किस कैटेगरी में मुझे क्या मिल रहा है. बस मैं आ गया हूँ. सर क्या कहा? आवाज नहीं है सर आपकी. दिवाली कैसे मनाएंगे सर? पटाखों के बगैर सर मनाते हैं दिवाली. पटाखों के साथ कहाँ सर इतनी पोल्यूशन के अंदर पटाखे नहीं. मुंबई और महाराष्ट्र की पूरी जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं है. ये दीपावली में एक स्पेशल हम लोग अपील कर रहे हैं कि दीपावली तो दियों का त्यौहार रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए, फटाके मत फोड़े ताकि मुंबई का एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रह सके. हमने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जहाँ पे 170 के ऊपर पोल्यूशन का लेवल था 125 पे आ गया, इससे आगे चल के उसे और बेहतर बनाना है मुंबई के जनता के लिए. और इसके लिए जनता का सहयोग चाहिए. और हमारे जो स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो हर किसी को मैसेज देंगे कि फटाके मत फोड़िए, दिया जलाइए. ये दीपोत्सव है तो अच्छी तरह से इसको मनाएं. अच्छी रंगोलियाँ रहती है वो करें, फूलों का यूज़ करें लेकिन फटाकों का यूज़ मत करें. थैंक यू सर. सिंगर सो म्यूजिक कैटेगरी में मिला है जो हमारा नया गाना है बजवा शहनाई दैट हैज़ बीन अवार्डेड एंड आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस गाने के लिए अवार्ड मिला. एंड बजवा शहनाई बिल्कुल आज के डेट का, आज के साउंड का बहुत ग्रूवी नंबर है. और इसका ऑडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था बट वीडियो फ्राइडे को है लॉन्च. इसका रिलीज ऑन द 10th of November एंड इट्स बीइंग रिलीज बाय कामाख्या म्यूजिक. और शायद लोगों को गाना बहुत पसंद आया ऑलरेडी क्योंकि बहुत पेपी नंबर है दिवाली के लिए, वेडिंग सीजन के लिए. गाना सुनेंगे. तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी. तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी. बजवा शहनाई, बजवा शहनाई. आप सबको भी हैप्पी दिवाली. और आप सब ये गाना सुनिएगा, इतना प्यार से आप लोग हमको कवर करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं. और ये हमारे बजवा शहनाई का हुक स्टेप है. बजवा शहनाई. थैंक यू सो मच. हैप्पी दिवाली. आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. अच्छे अच्छे दिवाली बनाना और पटाखे मत जलाना क्योंकि पॉल्यूशन होता है और डॉग्स भी डरते हैं. तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. कह रहे मैं अंदर जाती हूँ, पता चलेगा क्या होने वाला है. मुझे खुद सच में नहीं पता. अच्छा जी, आप सुपर, बहुत अच्छा लगेगा. और खुशी है कि दिवाली के वक्त ये चीजें हो रही है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा जी, बिग बॉस में जाने वाले हो तुम? तो बिग बॉस में जाने वाले हो? जाने वाले हो? मुझे नहीं पता. इनको पता नहीं बिग बॉस में जाने वाले. मैं अभी मैं सपोर्ट कर रही हूँ ऐश्वर्या को और
मनारा जैसे मैंने पहले भी बोला है, और किसको कह रही थी मैं, मुनव्वर अंकिता नहीं अंकिता जी को भी हाँ मतलब लाइक सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब सबको ही कर रही हूँ, पर सबसे ज्यादा जो मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो ऐश्वर्या। आपको क्या लगता है कि मास्टरमाइंड तो हमारे विक्की भैया विक्की भैया मुझे बहुत मास्टरमाइंड लगते हैं। हाँ सरप्राइज है बट नॉट रियलिटी शो, आगे देखती हूँ मैं रियलिटी शो, बट कुछ अलग चीज आने वाली है। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं जोगिंदर जी आपको भी। आपको भी क्या कहना चाहोगे आज जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें। भाई बड़ा खुश हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और बड़ी अच्छी मेहनत की है हमने अनुजा जी के साथ मिलकर, बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट को। और ये वेंडिंग सॉन्ग है, आप सुन सकते हो इसको अच्छे से। किस तरह का सॉन्ग है ये? बहुत ही मस्ती भरा, कमर्शियल, पेपी, वेडिंग सीजन के लिए एकदम एप्ट, और क्लब्स और पब्स में बजने के लिए भी एकदम धासु नंबर है ये। मैं अभी सिंगर भी हूँ और यहाँ पे तो मैं पिछले 8 साल से आ रही हूँ। ये मेरे फैमिली के जैसे ही प्रोग्राम है, और हमेशा की जैसे जो गरबा में एंजॉय आता है वो तो वही रहे एंजॉय। और नई बात, 2 साल तो बीच में गए लॉकडाउन के, बस वही थोड़ा सा मिस हुआ, बाकी तो हर साल जो है जलस वैसे जलस में सब प्रोग्राम चल रहे। और दुर्गा माँ का जो आशीर्वाद रात में जिनके फैमिली में है वो तो हमेशा उनको, उससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, बस ऐसे मिलती रहे और दुर्गा माँ को बस नमस्कार मिलते हैं। ये नवरात्रि उत्सव जो है जय भवानी विद्या मंडल, ये 27 साल से करते आ रहे हैं। ये जो आज आप पब्लिक देख रहे हैं, ये हमने 27 साल से कमाई हुई पब्लिक है जो हर साल यहाँ पे रहते हैं। बड़ी धूमधाम से उत्सव साजरा होता है, यहाँ के लोग जो है ये उत्सव साजरा करते हैं, धन मन से आते हैं, किसी को हमको नियो तो देना नहीं पड़ता है, सब यहाँ पे आके बहुत अच्छी तरीके से गरबा खेलते हैं। आप एक बहुत अच्छे राइटर के रूप में जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी वेब सीरीज आपने लिखी है, तो आज आपके ऑफिस ओपनिंग पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आगे हम लोग और क्या क्या देख सकेंगे आपके? देखिए जहाँ तक ऑफिस ओपनिंग की बात है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूरत मुझे लगती थी। ज़रूरत क्या लगती थी, एक हॉलीवुड में एक बड़ा पैटर्न है राइटर्स रूम का, जो कि इंडिया में नहीं है या इंडिया में अभी शुरू भी हुआ, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से शुरू हुआ, तो वो भी राइटर्स की तरफ से शुरू नहीं हुआ, वो भी प्रोडक्शन हाउस जो है वो राइटर्स रूम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं फिर भी राइटर्स को उस तरह खुलकर लिखने की आज़ादी नहीं होती जब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में कहीं कोई राइटर रूम है। तो मुझे पर्सनली लगता था एज ए बुक राइटर भी और वेब सीरीज़ के पॉइंट से भी, कि जहां अपना एक राइटर रूम हो, जहां पर हम खुलकर हम और कुछ और राइटर भी जहां कहानियों के बारे में डिस्कस कर सकें, कहानियां बना सकें, तो इसके लिए कॉन्टेंट हेडक्वार्टर के नाम से मैंने ये ऑफिस खोला। बहुत खुश हूँ मिड डे, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिड डे इज बीन एन आइकॉनिक वे फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो रियली हैप्पी टू बी हियर, रियली नाइस, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू मिड डे, दे अलाउड मी यू नो द अपॉर्चुनिटी टू गिव एन अवार्ड, एंड रियली पीपल, लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल हियर, रियली हैप्पी टू बी हियर। Thank you so much. Happy Diwali, guys. जब भी अवार्ड मिलता है मैं तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मतलब जब जब मुझे अवार्ड मिलता है बच्चों की तरह वो एक्साइटमेंट होता है ना, लाइक ओ आई गॉट इट, सो ये जब भी मिलता है आप और मोटिवेट होते हो अच्छा काम करने के लिए, तो आई लव अवार्ड्स। एट मिड डे अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है एज वी नो, सो बहुत अच्छा लग रहा है दिवाली में मैं मिड डे के पास आई हूँ यहाँ पे, और आप लोगों के साथ में बात करने का मौका मिल रहा है, सो या आई एम हैप्पी। किस कैटेगरी का जी? मुझे राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है,
और राइजिंग स्टार मतलब अपने आप में एक ऐसा टाइटल है जिसको नहीं चाहिए होगा, सो आई एम एक्साइटेड. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. दिवाली के टाइम पे भी आप लोग काम कर रहे हो, बट बहुत मजा आ रहा है, इट्स फन. और दिवाली इस बार आई थिंक इस साल सारी फेस्टिवल्स इतने अच्छी तरह मनाए गए सब जगह, सो एक्साइटमेंट तो ज्यादा है इस साल. मैं आज अवार्ड के लिए नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से मिल रहा है. मुझे अवार्ड मिलना मुझे पता ही नहीं है, होता ऐसा ही होता है प्यार में. आप आया बिग बॉस के बाद ना, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता. पहले आप बिग बॉस में आपने डिस्क्रिप्शन में कर लो क्या है, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है आप वर्ल्ड का चीफ हो क्या. इस साल बिग बॉस में मुझे ऐसा कोई अभी तक लगा नहीं है, आई एम श्योर आप लोग को भी ऐसा कोई लगा नहीं होगा. मुनावर बहुत अच्छा है ऑलरेडी, उसके लिए मुझे अच्छा लगता है उसको देखना. तो होपफुली अभी तो बहुत स्टार्ट है, अभी तो काफी गेम बाकी है. लेट्स सी एंड प्लीज वो जो मैरिड कपल्स हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा देखना. फिलहाल तो ऐसे कोई सपोर्ट तो नहीं है, मुझे अंकिता और मुनावर दोनों अच्छे लगते हैं. सो लेट्स नहीं, बिल्कुल नहीं, हो गया मेरा उस घर से मेरा नाता. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड मजा आता है, बस हर साल यही होता है. फिलहाल तो आप फिलहाल मुझे देख रहे हैं किंग पर होस्ट करते हुए, तो मैं अभी जो मेरी जर्नी है एज अ कंटेस्टेंट खत्म हो चुकी है. एंड अब अगर आप मुझे देखोगे तो शायद पोस्ट करते हुए झलक में चाहती थी बहुत पिछले साल, पर आई थिंक अब प्लान्स थोड़े चेंज हो गए, अब एक्टिंग पे फोकस है. अगले महीने टट्टू बाग रिलीज हो रहा है तो इस चीज की तैयारी. थैंक यू सो मच. So thank you very much. Thanks to Mitte for this wonderful award. The most multi-talented and versatile actor across genres. I think इतने साल टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने के बाद, इतने सारे genres करने के बाद, this is an apt award for me. So thank you Mitte very much. And I want to wish them a very happy Diwali. And yeah, thank you. अवार्ड मुझे द मोस्ट मल्टी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल एक्टर अक्रॉस जॉनर्स से मिला है, सो आई एम रियली हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड एंड थैंक यू मिट्टी. थैंक यू. First of all, thanks to Mitte for giving me this award. And this award is most versatile and stylish actor. So, I mean, I'm glad that they think I'm this guy. I'll try to make it as green as possible, you know, because वैसे वो pollution बहुत है. वही थोड़ी मिठाइयाँ बांटेंगे, थोड़ी lights जलाएंगे, and पटाखे I think. This time award karenge because the pollution bahut bad hai. Thank you and happy Diwali to all of you. So malum bhi nahi tha, just I am with Babu Bhai Deepa. It is really a great surprise for me, and just I am congratulating him from the core of my heart. Amit ji, bahut bahut aapko badhai ho, and upar wale se प्रेयर है कि दिन दुगनी और जो भी बोलते हैं वैसे प्रोग्रेस होना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच. जी सर, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप आज शुभारंभ में? मित जी, जितने बड़े कंटेंट राइटर हैं, जितना अच्छा वो लिखते हैं, जितना अच्छा वो सोचते हैं और जितने वो मशहूर हैं, उसी हिसाब से उन्होंने इस ऑफिस को बनाया है, सजाया है. जैसा मैं मुद्दे की बात करते हैप्पी दिवाली, और मुझे लगता है कि ये प्री दिवाली इवेंट है, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए मिड्डे को. और ऑलवेज वो सपोर्ट करते सब आर्टिस्ट को, शाबाश की देते जो आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है. तो हैप्पी दिवाली आप सभी को और लव यू ऑल. मैं रोज आ रहा हूँ, रोज कहीं ना कहीं आ रहा हूँ, रोज कैसे बात करेंगे हम? क्या आप क्या सुनना चाहते हो? आप फॉलो करते हो, सपोर्ट करते हो, आप जाना चाहते हो?
मैं पूरे बिग बॉस को सपोर्ट करता हूँ उसने जिसने मुझे बनाया। वो तो हम भी करते हैं लेकिन आप कौन बाहर ट्रेन से सपोर्ट कर रहा हूं? मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं, जब देखूंगा जरूर आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो तो पता है आप, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या करेंगे आप? जाने के जाओगे? जरूर जाएंगे यार, पैसे देने के बाद कौन कहा नहीं जाता है, लक्ष्मी को कौन नहीं बोलता है? पहले दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है। जी इससे बड़ी दिवाली क्या हो सकती है कि आप काम कर रहे हो दिवाली के दिन, और पिछली दिवाली मैं हाउस के अंदर था, उसके बाद एक शो और किया, और ये दिवाली मैं झलक का रिहर्सल कर रहा हूँ। तो सबका सपना होता है कि आप काम करते रहो, एक काम के खत्म होने के पहले ही आपको दूसरा काम मिले, तो वो वाला जर्नी मेरा शुरू है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा साल है पूरा, कि जो सपने मैं देख रहा था वो पूरे होते जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास बंदा होता है जिसका कार घर, ये पूरे साल में मुझे इतनी चीजें मिल रही है, तो मैं थैंकफुल, और पापा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो होपफुली सभी के सपने पूरे हो, सब अपने अपने फैमिली के साथ दिवाली मनाओ यार। मैं थोड़ा जलन हो रही मुझे, मैं इधर हूँ ना मुंबई, घर वाले सब अमरावती है, बट हैप्पी दिवाली और मजा करा। मैं इधर बॉलीवुड में, और ये एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही विचित्र सा कंसेप्ट है, एंड बहुत ही अच्छा है फॉर द हेल्थ ऑफ बॉलीवुड एंड राइटिंग एंड लिखने के हिसाब से। बहुत कोई नाम अपरिचित नहीं है अमित सर का, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारा लिखा है उन्होंने फिल्मों के लिए, और आज कंटेंट हेड कटकर्स ये जो ऑफिस की ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं और हम सब सिंगर फ्रेटर्निटी, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग से जुड़ा रहता है संगीत भी, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ मी केशव राय जी एंड हम सब पूरी यू नो पूरी मंडली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन अमित सर। सर मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड की दुनिया में कंटेंट या कोई भी कंटेंट या मूवी बनती है तो हीरो और हीरोइन और विलन को मेन बताया जाता है, तो उसमें राइटर का क्या महत्व होता है? राइटर का एक्चुअली सबसे ज़्यादा महत्व ही राइटर का है। अभी हमने हाल के समय में बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने वॉच करी है जिसमें